हाय, दिस इज मनीषा सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और फ्रेंड्स, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और यूनिक जॉब रिक्रूटमेंट की वीडियो के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है। RRC आपको नॉर्थ ईस्टर्न जो जोन है गोरखपुर, वहाँ से आपको अप्रेंटिस के पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए। ये एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होने वाला है। इसमें आपको फ्रेंड्स कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है। और सबसे मेन बात यह है कि अगर आप यहाँ पर कर लेते हो अप्रेंटिस का जो ट्रेनिंग होगा 1 ईयर का, उसके बाद आपको रेलवे में जो भी वैकेंसी आती है, खास करके रेलवे ग्रुप डी में, आपके लिए 20% सीट्स यहाँ पे रिजर्व रहने वाला है। मान लेते हैं कि दूसरे स्टूडेंट का 70 नंबर पे सिलेक्शन होता है, वहाँ पे आप अगर 50 नंबर ले आते हो तो आपको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। सो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूँ इस अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सारे कुछ आपको कंप्लीटली डिटेल वे में बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई है ना, 1104 सीट्स के लिए आपको ये वैकेंसी अनाउंस कर दी गई है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वर्कशीप यानी कि यूनिट वाइज पोस्ट यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं। जैसे आप देख पाएंगे कि मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 411 सीट्स रहने वाली है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए 35 पोस्ट है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट के लिए 63 है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर के लिए 151 सीट्स है। डीजल शेड इज्जत नगर के लिए 60 सीट है। कैरेज एंड वैगन इज्जत नगर के लिए 64 है। कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए 155 है। डीजल शेड गोंडा के लिए 90 सीट्स है। कैरेज एंड वैगन वाराणसी के लिए आपका 75 टोटल सीट्स रहने वाली। तो ये तो हमने देख लिया वर्कशॉप यानी कि यूनिट वाइज आपको बता दिया। चलो अब हम लोग ट्रेड वाइज बताते हैं। तो ट्रेड वाइज बता दूं फ्रेंड्स कि आपका फीटर के लिए 455 सीट्स है, वेल्डर के लिए 121 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 99 सीट्स है, कारपेंटर के लिए 104 है, पेंटर के लिए 106 है, मैकेनिस्ट के लिए 31 है, टर्नर के लिए 15, मैकेनिक डीजल के लिए 85 है और ट्रीमर के लिए 8 पोस्ट है। तो आप अपना देख लेना कि आपका कौन सा ट्रेड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बता दिया मैंने। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म जो है अप्लाई होना कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी आपका स्टार्टेड है 3 जुलाई 2023 से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका यहाँ पे 2 अगस्त 2023 रहने वाला है। तो अगर आप भी इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर दो आप। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10th के साथ साथ अगर आपके पास ITI या NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो एज लिमिट है, आपका एज ऑन 30 जुलाई 2023 कैलकुलेट किया जाएगा, जहाँ पे आपको मिनिमम एज 15 ईयर्स टू मैक्सिमम आपका 24 ईयर्स रहने वाला है। यहाँ पे भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। OBC को 3 ईयर्स का एंड SC ST को आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। फॉर्म की फी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे जनरल और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट से 100 रुपीज लिया जाता है, वही आपको अदर जो भी कैटेगरीज है उनसे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। इसमें फ्रेंड्स आपका कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है और इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 ईयर्स का। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन मेरा कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको उसको डिटेल में समझा देती हूँ कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है।
जैसे मान लो फ्रेंड्स आपका 10th क्लास में आपका 60% है, तो उसको हम लोग हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका 30% हो गया। आईटीआई में मान लेते हैं आपका 80% है, तो उसको भी आप हाफ कर दो, तो 40% हो गया। तो 10th का हाफ जो 30% है और आईटीआई का आपका हाफ 40% है, तो आपका टोटल जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट के लिए परसेंटेज निकल के आएगा वो आपको 70% आएगा। तो मेरा ये मानना है, या फिर मतलब जो जिन भी बच्चों का आ रहा है कि 10th और आईटीआई मिला के 60% प्लस आ रहा है, तो उनको जरूर ये फॉर्म भरना चाहिए, उनको इसका बेनिफिट भी अच्छा मिलता है बाद में। यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो आप लोग सैलरी वाले पार्ट पे ज़्यादा गौर मत करना, सैलरी काफ़ी कम रहने वाला है। 8,000 to 12,000 के बीच में आपको जो 1 ईयर का सैलरी रहता है वो मिलता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको जो रहना खाना होता है ना वो खुद से ऑर्गेनाइज करना होगा। तो आप सोचोगे कि मुझे इतना कम सैलरी पे 1 ईयर मैं क्यों जाऊँ करने, रेलवे की तरफ से आपको खर्च देना चाहिए, आप यही सोच रहे होंगे ना। आप एकदम गलत सोच रहे हो फ्रेंड्स। अगर आपने 10th पास आउट कर लिया है, आपके पास आईटीआई है और आप 1 ईयर अगर यहाँ पे रह के ट्रेनिंग कर लेते हो, तो बाद में आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। रेलवे का कोई सा भी वैकेंसी निकल के आएगा उसमें आपको 20% रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना कि अगर किसी बच्चे का 70 पे सिलेक्शन हो रहा है और आपका 50 है, तो पहले आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इस पार्ट पे ज़्यादा गौर करते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताया है RRC गोरखपुर की जो अप्रेंटिस की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स। और अगर इसे समझने में कोई सी भी दिक्कत आए ना, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम आईडी मेरी है उस पर फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सारे का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करते रहना टाइम पे। सो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर से किसी न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।